हेलो बेटा, सुप्रभात। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। हमने क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? हमने पढ़े थे ग्रामर में, यानी हिंदी व्याकरण में, शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास। समास तक हमने पढ़ लिए और उम्मीद है मुझे सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब बेटा, इसके बाद हिंदी फर्स्ट में चलते हैं। हिंदी फर्स्ट में चार चैप्टर तो पहले पढ़ ही लिया हमने, अब पांचवा चैप्टर आता है, तोड़ती पत्थर। पांचवा चैप्टर कौन सा आता है? ये आता है हमारा तोड़ती पत्थर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचयिता हैं। इसके कवि कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक बहुत ही जाने माने कवि थे। और ये किसके? उसके विरोधी थे, पूंजीपतियों के, अमीरों के विरोधी थे, किसानों के और मजदूरों के ये पक्षधर थे। उनकी भावनाओं का ये की इज्जत करते थे और उनके बारे में सोचते थे और उनके बारे में ही वो लिखते थे। यहाँ इन्होंने एक मेहनती स्त्री के, मेहनती महिला के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। उसकी भावनाओं को, उसकी व्यवस्थाओं को और उसकी आर्थिक जो कमजोरियां हैं, व्यवस्था है, आर्थिक विषमता है, उनके बारे में इस कविता में उन्होंने लिखा है। बड़े सुंदर ढंग से इन्होंने इसको चित्रित किया है, यानी लिखा है। तो क्या लिखा है अच्छे से समझना। अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा इसका अर्थ, नहीं तो नहीं बेटा। तो लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, समझो। समझिए, वह तोड़ती पत्थर। वह औरत कौन है? वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। देखा मैंने, कौन कहता है? लेखक कहता है कि देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। नहीं छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। छायादार पेड़ नहीं है, छायादार पेड़ नहीं है जिसके तले वो, जिसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठी हुई है वह इलाहाबाद के सर। कवि क्या कहते हैं कि मैंने एक स्त्री को, एक महिला को, एक औरत को पत्थर तोड़ते हुए देखा है इलाहाबाद के पथ पर। इलाहाबाद की सड़कें हैं जो, उनके सड़कों पर उसको मैंने पत्थर तोड़ते हुए देखा है। वह पत्थर तोड़ रही है और वहाँ कोई भी छायादार पेड़ नहीं है, कोई भी छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे वो बैठी है। जिसके नीचे बैठी हुई है यानी वो भी कैसा पेड़ है? वो भी जिसमें कोई छाया नहीं है, सूखा हुआ है। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय क्रम रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करते बार बार प्रहार। श्याम तन, सांवला सा तन है। कैसा तन है उस औरत का? सांवला सा तन है, यानी सांवले से रंग की है। और भर बंधा यौवन, और गठे हुए शरीर की है, गठे हुए शरीर की है, सुंदर सुडोल सी है। नत नैन, नैन झुके हुए हैं, नैन यानी आंखें झुकी हुई हैं। और कर्म रत मन, और मन से अपने कर्म में लगी हुई है, मन से अपने कर्म में, अपने कार्य में लगी हुई है। गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु हथौड़ा, गुरु यहाँ क्या अर्थ है? गुरु के यहाँ अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो इसी तरह यहाँ गुरु का दूसरा अर्थ है। गुरु का, गुरु नहीं है, एक शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है, यहाँ गुरु का अर्थ भारी, भारी हथौड़ा हाथ। करती बार बार प्रहार, भारी हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो हाथ में क्या लिए हुए है? भारी सा हथौड़ा लिए हुए है और उसको बार बार, उससे क्या करती है? बार बार भार उससे प्रहार करती है, यानी उससे पत्थर तोड़ती है। उससे क्या करती है? पत्थर तोड़ती है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार,
चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनकी छा गई प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। तो इसमें क्या कहते हैं कि सामने तरु मालिक, सामने जहां वो पत्थर तोड़ रही है, लेकिन सामने दूर क्या है, सामने दूर है पेड़ों की मालाएं सी हैं, पेड़ लगे हुए हैं कतार में, पेड़ों की मालाएं सी हैं अट्टालिका प्रकार, और चार दीवारी के उधर अट्टालिका यानी ऊंची ऊंची इमारतें भी दिखाई दे रही हैं, ऊंची ऊंची इमारतें भी चार दीवारियां उनकी दिखाई दे रही हैं। चढ़ रही थी धूप, और धूप तो चढ़ रही थी यानी दोपहर का वक्त था, तो धूप तो पूरी तेज थी। कैसी थी? गर्मियों के दिन थे, गर्मियों के दिन थे, तो गर्मियों के दिन यानी मई जून के महीने की बात बता रहे हैं, तो गर्मियों के दिन थे, क्योंकि गर्मी कब होती है, मई जून में होती है, तो गर्मियों के दिन थे। दिवा का तम तमाता रूप, दिवा कौन यानी सूर्य का तम तमाता रूप था। अब 12 बजे तो क्या होता है, पूरा सूर्य लाल होता है, तम तमाता रहता है, पूरा तेज रहता है। उठी झुलसाती हुई लू, झुलसाने वाली जो लू ऐसी चल रही हैं जैसे मनुष्य को झुलसा देती हैं, यानी ऐसे गर्मी में जब बाहर निकलते हैं तो कैसी लू होती लगती हैं, ऐसे लगती है जैसे वो जला देंगी हमको, तो वो झुलसाती हुई लू। और रुई जो जलती हुई लू, रुई के समान क्या है, रुई के समान जलती हुई लू, पृथ्वी ऐसे लग रही है जैसे रुई के समान जल रही हो, जैसे रुई के समान वो जल रही हो। और गर्द चिनगी छा गई, और जो गर्द है यानी धूल है, गर्द क्या कहा यहाँ, धूल है, जो धूल उड़ रही है वो भी धूल सी भी ऐसी लगती है, ऐसी लगती है कि जैसे चिंगारी सी लग रही हो, जैसे वो इतनी तेज धूप में, तो वो गर्द भी अगर हमारी ओर आती है तो वो ऐसी लगती है जैसे चिंगारी सी लग रही हो। प्राय हुई दोपहर, प्राय वो तोड़ती रहती है, और दोपहर में तोड़ती रहती है, वह तोड़ती पत्थर, वह दोपहर में पत्थर तोड़ती रहती है। देखते देखा मुझे तो एक बार, देखते देखा मुझे तो एक बार, इसमें क्या कहती है, कहता है कवि कि वो औरत, मैंने तो उसको देखते हुए देखा, एक बार मेरी तरफ उसने देखा, मुझे तो एक बार मेरी तरफ उसने देखा, नहीं तो अपने काम में लगी हुई थी। मुझे देखकर उस भवन की ओर देखा, जो वे ऊंची अट्टालिका है उनकी ओर भी देखा, ऊंची ऊंची इमारतों की ओर भी देखा, छिन्न तार, और वो तार तार हो गई, और वो तार तार हो गई यानी दुखी हो गई, परेशान हो गई, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि आखिर मैं यहाँ कितनी मेहनत कर रही हूँ। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, देख कर भी कोई नहीं देखा यानी किसी ने नहीं देखा मुझे, ऐसा वो सोच रही है, उस दृष्टि से मुझे देखा जो मार खा रोई नहीं, कि जो उसकी आंखों में आशा है, उम्मीद है, आशाएं हैं, और विवशता झलक रही है, विवशता झलक रही है कि जो कमजोरी है, आर्थिक कमजोरी है, तो वो झलक रही है, लेकिन फिर भी स्वाभिमान है चेहरे पर, फिर भी जो मार खा रोई नहीं यानी फिर भी चेहरे पर उसके स्वाभिमान है, यानी मांगना पसंद नहीं करती वो मेहनत करना पसंद करती है। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह काफी सुघर, ढुलक माथे से गिरे शिखर, लीन होते क्रम में फिर ज्यो कहा मैं तोड़ती पत्थर। यानी उसके भाव वो तो नहीं बोल रही, लेकिन उसकी आंखों से जो भाव झलक रहे हैं कवि को, कवि उनको प्रकट कर रहा है, उनका वर्णन कर रहा है, तो वो कहता है सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार।
जो वीणा से जो झंकार आती है, उसकी जो टंकार सी आती है, तो इस तरह उसके मन में झंकार सी, ऐसी झंकार सी उसके मन में जैसे उठी, ऐसा मुझे लगा। एक क्षण के बाद वह कापी, एक क्षण के बाद, एक पल के बाद, क्षण भर के बाद वो जैसे कापी, सुघर ढुलक माथे से गिरे शिखर। तो वो इस तरह से, यानी कापी सी और वो सुघर सी, सुदृढ़ सी जो थी, तो उसके माथे से गिरे शिखर, उसके माथे से पसीने ढुलक गए हैं, उसके माथे से पसीने ढुलक गए हैं, लीन होते क्रम में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। और फिर अपने कर्म में लीन हो गई, अपने कार्य में लीन हो गई। कार्य क्या था उसका? पत्थर तोड़ रही थी। और फिर उसने फिर मन में कहा उसने कि मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। तो समझ में आ गया अच्छे से? ये देखो कितने अच्छे से उसके भाव कवि ने प्रकट किए हैं कि आखिर मजदूर कितनी मेहनत करता है, आखिर मजदूर कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद उसको क्या मिलता है? थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा सा देते हैं, यानी जितनी वो मेहनत करता है, इतनी इतना इतनी उसको मेहनताना, इतना उसकी मजदूरी नहीं देते हैं। तो लेखक इस ओर संकेत करता है कि आखिर खाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही, स्वाभिमान से वो काम कर रही है, स्वाभिमान से वो काम करती है, लेकिन उसके बदले उसको थोड़ा सा मिलता है। तो उसकी आंखों में, आंखों में क्या होता है? आशाएं होती हैं, उम्मीद होती है, और विषमता, जो समाज में विषमता है कि एक तो क्या है, एक तो पूरा यानी अमीर आदमी है और एक इतना गरीब है कि उसको दो वक्त की सही ढंग से रोटी भी नहीं मिलती। उसके लिए उसको इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको थोड़ा सा मिलता है। तो उसके बारे में कितना अच्छा निराला जी ने वर्णन किया है। तो बेटा समझ आ गई ना अच्छे से? एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पत्थर पथ पर, वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, यानी वह इलाहाबाद के पत्थर पर, इलाहाबाद के सड़कों पर मैंने उसको देखा पत्थर तोड़ते हुए, मैंने उसको पत्थर तोड़ते हुए देखा, और वहां कोई भी छायादार पेड़ नहीं है। जिसके नीचे वो बैठी हुई है, सड़क पर है, तो वहां कोई भी छायादार पेड़ नहीं है। श्याम तन भर बंधा यौवन, श्याम तन यानी सांवला सा शरीर है और गठा हुआ सा यौवन है, गठा हुआ सा यौवन है, युवती है, तो गठा हुआ सा उसका शरीर है, और नयन झुके हुए हैं, आंखें झुकी हुई हैं, और प्रिय क्रमरत मन, और अपने क्रम मन से अपने क्रम में, अपने कार्य में रत है, लीन है, और करती बार बार प्रहार गुरु हथौड़ा हाथ, और भारी सा हथौड़ा हाथ में लिए हुए है, और उससे बार बार प्रहार करती है, बार बार पत्थर तोड़ती है। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार चढ़ रही थी, धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप उठी झुलसाती हुई लो। तो सामने जहां वो पत्थर तोड़ रही है, सामने वहां पेड़ों की मालाएं भी, कतारें भी हैं, पेड़ लगे हुए हैं कतारों से, और चार दीवारी के उस साइड तरु मालिका अट्टालिका प्रकार, तो क्या कह रहे के सामने पेड़ों की कतारें हैं, कतारें हैं, और अट्टालिका प्रकार क्या यानी क्या है कि सामने चार दीवारी के उस साइड क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें भी दिखाई दे रही हैं, और धूप तो पूरी चढ़ी हुई है, यानी दोपहर का समय है, और सूर्य का तो तम तमाता रूप है, सूर्य का तम तमाता रूप है, और उठी झुलसाती हुई लू, लू झुलसा जैसे अभी झुलसा डालेंगी, इस तरह की लू चल रही है। रुई ज्यों जलती हुई भू, ज्यों रुई ज्यों जलती हुई, रुई के समान जलती हुई जैसे, रुई के समान जलती हुई जैसे, तो यहाँ अलंकारों का भी प्रयोग है, ज्यों यानी रुई के समान जलती हुई, तो यहाँ अलंकार भी है हमारे। कौन सा अलंकार होता है रुई के समान? यानी उपमा अलंकार। तो रुई के समान जलती हुई पृथ्वी,
रुई के समान पृथ्वी भी ऐसे लग रही है जैसे जल रही हो, गर्द जिनकी चिनगी छा गई, और जो धूल है वो धूल जो उड़ रही है वो भी ऐसे लगती है जैसे चिंगारी सी आकर लग रही हो। प्राय हुई दोपहर, प्राय दोपहर में वह तोड़ती पत्थर, वह पत्थर तोड़ती है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्नता, मैंने उसको एक बार मेरी ओर देखते हुए देखा, एक बार उस भवन की ओर देखा और उस भवन की ओर भी उसने देखा, जो इमारतें थी उस ओर देखा, और छिन्न तार और वो तार तार हो गई, यानी झेप गई एक तरह से, और अंदर तक वो तार तार, यानी उसकी विषमताएं जो हैं उसकी विवशताएं झलक आई। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, देख कर ऐसे के कोई नहीं किसी ने नहीं मुझको देखा, मुझे उस दृष्टि से देखा जो उसकी आशाएं हो उसकी विवशताएं झलक रही हो, जो मार खा रोई नहीं, लेकिन मार खा रोई नहीं इसमें अर्थ है, यानी देखा जरूर के जैसे विवशताएं हैं लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी स्वाभिमान है, सजा सहज सितार, सुनी वह मैंने वह सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह काफी सुबह पहले यहीं तक, सजा सहज सितार सुनी मैंने, जैसे एक सितार सा सजा हुआ हो, वीणा का जो एक सितार सा सजा हुआ हो सहज से, ऐसा तो कैसी झंकार सुनी कि जैसे सजा सहज सितार, यानी सितार जैसी आवाज आई, झंकार सी आई, एक क्षण के बाद वह कांपी सी, वह एक क्षण के बाद कांपी सी सुदृढ़ सी ढुलक माथे से गिरे शिखर, और तब वो कांपी सी सीरन सी उसके मन में जैसे आई, तो इस तरह यानी उसके माथे से पसीने की बूंद गिरी, और लीन होते क्रम में फिर ज्यों कहा, क्रम अपने कार्य में लीन होते हुए तल्लीन होते हुए, और उसने फिर से कहा मैं तोड़ती पत्थर, तो उसकी क्या विषमताएं, आर्थिक विषमताएं प्रकट होती हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज, सॉरी ये हो गया हमारा भावार्थ, अब इसकी एक्सरसाइज समझते हैं। एक्सरसाइज क्या है इसका, पहले एक्सरसाइज ले लेते हैं जो लघु है। कवि ने स्त्री को कहाँ देखा, कवि ने स्त्री को कहाँ देखा, इलाहाबाद के पथ पर देखा, कहाँ देखा, इलाहाबाद के पथ पर देखा, स्त्री धूप में क्यों बैठी थी, स्त्री धूप में क्यों बैठी हुई थी, क्योंकि सड़क पर पत्थर तोड़ रही थी, सड़क पर क्या कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी, इसलिए बैठी थी, यही है ना। अब लिखित में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, स्त्री क्या तोड़ रही थी, तो यही हुआ इसका, क्या तोड़ रही थी, स्त्री पत्थर तोड़ रही थी, क्या कर रही थी बेटा, स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। कविता में कौन से मौसम का वर्णन किया गया है, तो कौन से मौसम का वर्णन किया गया है बताइए, तो गर्मी के मौसम का, कब का किया गया है, गर्मी के मौसम का वर्णन किया गया है। स्त्री के हाथ में क्या था, क्या था, गुरु हथौड़ा हाथ, क्या था, स्त्री के हाथ में भारी हथौड़ा था, क्या था बेटा, भारी हथौड़ा था। धरती किसके समान जल रही थी, रुई के समान जल रही थी, किसके समान, रुई के समान
समान जल रही थी। यही है ना, मजदूर स्त्री के माथे से क्या बह रहा था? क्या बह रहा था? शिकर बह रहे थे। शिकर क्या होता है? पसीने। क्या बह रहा था? शिकर बह रहे थे यानी पसीने, पसीना बह रहा था। ठीक है बेटा, अब ये लघु बाद में कराऊंगी, अब पहले ये कर लीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो कवि ने पत्थर तोड़ते हुए किसे देखा? कवि ने पत्थर तोड़ते हुए किसे देखा? बच्चे को या स्त्री को, बुढ़िया को या आदमी को? तो किसको देखा? इसका है, उतार लीजिए बेटा, देख लीजिए अच्छे से, समझ लीजिए या फिर बाद में करते रहना। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का क का आंसर है क्या? क का आंसर है स्त्री को। किसको देखा? एक स्त्री को, एक औरत को देखा। अब ख, ख में क्या है? स्त्री कौन से वृक्ष के नीचे बैठी थी? स्त्री कौन से वृक्ष के नीचे बैठी? तो छायादार, फलदार, छाया रहित या कांटो युक्त? तो कौन से के? छाया रहित पेड़ के। छाया छाया रहित पेड़ के नीचे बैठी थी। स्त्री का मन कहाँ लगा हुआ था? कहाँ लगा हुआ था? गायन में, गाने में या मनोविनोद में? मनोविनोद होता है मनोरंजन में यानी, या भक्ति में, भगवान की भक्ति में? तो कहाँ लगा हुआ था? कार्य में। गया का है कार्य में। वैसे मुझे लगता है आपने कर ली होगी, लेकिन आप मैच कर लीजिए, आपको ऐसा ना हो कोई एक आध गलत हो रहा हो। तो ये हो गया। अब लास्ट क्या है? धरती क्यों जल रही थी? क्यों जल रही थी? लू चलने के कारण, आग जलने के कारण, रुई के गट्ठर में आग लगने के कारण, ज्वालामुखी के कारण? तो किस लिए? लू चलने के कारण। इसका है लू चलने के कारण, लू चलने के कारण क्या हो रहा था? धरती जल रही थी। तो ये भी एक्सरसाइज हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब ये अपठित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये आप स्वयं करोगे। ठीक है बेटा, ये आप कैसे क्या करोगे? स्वयं करोगे। अब इसके बाद ले लेते हैं भाषा ज्ञान का पहला क्वेश्चन। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क्या लिखने हैं? दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द पहला क्या है? पत्थर। क्वेश्चन नंबर 1 भाषा ज्ञान का, पत्थर का क्या है प्रश्न? दो दो बताने हैं। दूसरा है पाषाण। ओके, अब पथ, पथ रास्ता मार्ग। क्लियर दिख रहे हैं ना बेटा? रास्ता मार्ग। अब पेड़, पेड़ क्या क्या है? वृक्ष, तरु। उसके बाद क्या है? नैन, नैन आंखें, नैन का आंख और नेत्र या फिर चक्षु, लोचन। अब अगला है हाथ, हाथ के क्या है? हस्त और कर, हस्त और
इसके बाद दिन, दिन का एक तो दिवा यानी दिवा का तमतमाता रूप, सूर्य का तमतमाता रूप यानी दिन का तमतमाता रूप, तो ये दिवा भी दिन और दिवस। इसके बाद भू, भू भूमि, भू भूमि और पृथ्वी, धरा भवन, यहाँ तक हो गए ना, भवन ऊपर ले लो, ये उतार लिया होगा ना, भवन यहाँ लिख देते हैं। भवन क्या होता है, महल होते हैं, भवन महल होते हैं, सदन होते हैं, घर होते हैं, और सदन घर आवास। इसके बाद क्या बचता है, माथा, माथा माथा यानी मस्तक और ललाट, मस्तक और ललाट माथे का, मस्तक जो हमारा है तो इसको मस्तक भी बोलते हैं और ललाट भी बोलते हैं। अब लास्ट बचा तन, लास्ट क्या बचा, तन, तन का है शरीर, देह, शरीर और देह, तुम्हारी देह, तो ये भी हो गया, पर्यायवाची हो गए ना, रखे होंगे लेकिन मिलान कर लीजिए, इनके जरूरी नहीं है, कदो आपने चेंज भी कर दिया हो तो, लेकिन वो सही हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं जो उल्टा अर्थ दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द, तो स्वीकार, स्वीकार का क्या हो जाएगा विलोम, अस्वीकार, स्वीकार करना और अस्वीकार करना। इसके बाद श्याम, श्याम होता है सांवला, काला, और श्याम का श्वेत भी हो सकता है सफेद, गौर गोरा ये भी हो सकता है। इसके बाद नथ, नथ क्या है, झुके हुए, अनथ जो नहीं झुकता, नथ इसका अनथ झुका हुआ बिना झुके। उसके बाद दिवा, दिवा यानी दिन, रात्रि, उसके बाद है गुरु, भारी, गुरु भारी, इसका तो गुरु का हल्का या फिर लघु, वैसे लघु है ज्यादा लेकिन भारी का हल्का भी और लघु छोटा यानी। कर्मरत लास्ट है, कर्मरत कर्म में लगी हुई, और इसका अकर्म बिना कर्म के, जो कर्म नहीं करते, अकर्म
या फिर अधम, जो कर्मरत नहीं होते हैं, अकर्मण्य। अधम, अधम होता है जो कार्य नहीं करते हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये देख लिया ना अच्छे से, पर्यायवाची और ये विलोम। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। ये आपको समझा दिए गए थे ना अच्छे से, तो फिर यहाँ क्लियर कर लीजिए। शब्द था छायादार, शब्द है छायादार, तो मूल शब्द है इसका छाया दार प्रत्यय। मजदूरी में, मजदूरी, मजदूर और ई प्रत्यय है, ठीक है बेटा। दोपहरी, दोपहरी, तो दोपहर और ई प्रत्यय इसमें भी। अब इसके बाद क्या है, अट्टालिका। अट्टालिका, एका इसका प्रत्यय है और अब ये क्या बचा, अट्टाली, अटारी भी जिसको बोलते हैं, अट्टालिके और एका इसका प्रत्यय है। दृष्टिवान, दृष्टिवान, दृष्टि और वान प्रत्यय, ठीक है। अब लास्ट एक्सरसाइज बची, इसमें नीचे दिए गए वाक्यों में सहायक क्रियापदों पर सर्कल, गोला बनाइए। तो सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया ये होती है, सहायक क्रिया क्या होती है बेटा, जैसे रहा है, रहे थे, चल चुका था, चुका, तो ये सहायक क्रिया होती है। तो सहायक क्रिया अब चार वाक्य हैं, केवल सहायक क्रिया बता दो इसके। क्वेश्चन नंबर फोर, सहायक क्रिया, झुलसाने वाली लू चल रही थी, तो लू चल रही थी, रही थी, ये है सहायक क्रिया, ये इसकी सहायक क्रिया। कै की, खै का सर्कल क्या करेंगे, स्त्री तपती दोपहर में भी कार्य किए जा रही थी, कार्य किए जा रही थी, रही थी। और अगले में क्या है, अगले में है उसके माथे से पसीना टपक रहा था, रहा था, ये सर्कल हो गया। अब ये सर्कल हो गया, मजदूर लू चलने पर भी कार्य में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, ये सर्कल, ठीक है बेटा। सारी एक्सरसाइज हो गई। अब इससे आगे है, श्रम ही जीवन है पर अनुच्छेद लिखना है, यह आप स्वयं करोगे, स्वयं करोगे, अपठित काव्यांश है वो स्वयं करोगे। और इससे आगे वाला दिया हुआ है, चित्र को देखकर कुछ वाक्य लिखिए। चित्र क्या है, तो ये देखिए क्या, कौन है, क्या है, तो इस तरह इसका भी, इस चित्र को देखकर इसके आप वाक्य लिखोगे। ओके बेटा, बाय।